में आप सभी का स्वागत है। मैं दिव्या शुक्ला। आइए बढ़ते हैं खास खबर की ओर। राष्ट्रीय सेवा योजना के उत्साही स्वयंसेवक छात्र छात्राओं द्वारा नगर में तुलसी पूजन गीता जयंती जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। श्रीकांत पिपरसानिया के संरक्षण एवं वरिष्ठ कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह चौहान के मार्गदर्शन में चल रहे इस अभियान में सरस्वती शिशु शिक्षा मंदिर गुराई बाजार में बच्चों को चित्रकला प्रतियोगिता, तुलसी पूजन एवं गीता श्लोक पाठ कराया गया। कार्यक्रम में अतिथि के रूप में भाजपा महिला युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष गीता श्रीवास्तव एवं युवा समाज सेवी सार्थक नायक मौजूद रहे। इस अवसर पर टोली नायक, पलक रैकवार, राधा प्रजापति, मुस्कान चौहान, इशिका पाल, आरती कुशवाहा, महाविश, प्रियांशी, मोहिनी सहित कई स्वयंसेवक ने सक्रिय सहयोग किया। उपस्थित सदस्यों ने अपनी संस्कृति और सभ्यता की रक्षा हेतु तुलसी पौधा की परिक्रमा की और गीता का वाचन किया और अपनी संस्कृति को जीवंत बनाए रखने का संकल्प भी लिया। इस अवसर पर विद्यालय के प्रबंधक कृष्ण कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि संपूर्ण मानव जाति के लिए गीता का ज्ञान आवश्यक है। गीता का प्रकट भगवान के श्री मुख से हुआ है, उसको राष्ट्रीय धरोहर के रूप में स्थापित करने की भी जरूरत है। विद्यालय के प्रधानाचार्य राघवेंद्र कुमार साहू ने कहा कि तुलसी और गीता भारतीय संस्कृति के पर्याय है। आज अपनी संस्कृति और सभ्यता की रक्षा हेतु लोगों को सजग होने की जरूरत है, साथ ही गीता को भी राष्ट्रीय धरोहर के रूप में हम सभी को स्थापित करने का संकल्प लेना चाहिए। कार्यक्रम में मुख्य रूप से विद्यालय की प्रीति साहू, मिथिलेश राजा, मोहिनी साहू, प्रियांशी, वंदना साहू, सोनम छाया, मिनी साहू, विलास राव, संतोष कुमार साहू, शैलेंद्र मिश्रा आदि लोग मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, आर लाइव।